हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल कैप्टन मार्वल देखी और इन्फिनिटी वॉर्स देखने के बाद बहुत ही मतलब एक्साइटेड था ये मूवी देखने के लिए। और मूवी अच्छी है, मतलब आप इतनी उम्मीद नहीं करना कि इन्फिनिटी वॉर इतनी अच्छी है, लेकिन कैरेक्टर्स अच्छे और कहानी बहुत सिंपल है। जो ब्री लासन का जो किरदार है वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह निभाया। और जो मतलब सैमुअल एल जैक्सन हमेशा की तरह रॉकिंग, और जूड लॉ भी अच्छा काम किया है। फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत कम है, और जो मैंने ट्रेलर देखने के बाद मैंने नहीं सोचा था इसमें फिल्म में इतना ह्यूमर होगा, लेकिन लास्ट तक अच्छा ह्यूमर था। लेकिन एक हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है, जो मार्वल हमेशा करता है, वो बहुत ही घटिया है। जैसे कि एक फिल्म में एक कैरेक्टर जब कैप्टन मार्वल को छेड़ता है तो पंजाबी में बात करता है या आधार कार्ड जैसे वर्ड, वो बहुत ही घटिया लगता है। और एक्शन जो आखिर तक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डाली है। फिल्म को इतना खींचा नहीं गया। स्टोरी के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, कि कुछ मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। और जो कैप्टन मार्वल है वो बहुत ही आज तक की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। और वो स्क्री के टीम में, अभी स्क्री कौन है आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। और स्क्री जो स्कल्स को मारना चाहते हैं, और वो भी कौन होते हैं वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जब इनकी इनकी लड़ाई होती है स्कल्स के साथ, तो कैप्टन मार्वल जो है लड़ते लड़ते एक्सीडेंटली एक ऐसे प्लेनेट पे चली जाती है जिसपे एलियंस बोलते कि यहाँ जाओगे तो आप ट्रैफिक में फंसोगे, मतलब अर्थ। जब प्लेनेट अर्थ पे कैप्टन मार्वल आती है तो उसको सब याददाश्त आती वापस आती है। इतना मैं कहानी के बारे में बता सकता हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बार देखने जैसी मूवी है। सबसे अच्छी बात है ब्री लासन इसमें बहुत खूबसूरत दिखती है, और जो मतलब मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है और सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है, उनको दोनों को अच्छी लगेगी। एक सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने जो सबसे 3D पहली फिल्म देखी थी छोटा चेतन पुरानी, उससे लेकर आज तक जो मतलब जो हम गॉगल्स पहनते 3D उसको देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती। आज भी उसको उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं जब हम 3D बिना गॉगल्स के देखेंगे। तो आप ज़रूर देखिए, एक बार देखने जैसी मूवी है। और कैप्टन मार्वल जो मार्वल का सबसे इन्फिनिटी का सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, वो था थेनोस। मैं आपको शायद सुपर हीरो ज़्यादा पसंद है, मुझे थेनोस ज़्यादा पसंद है, और मैं उसकी मृत्यु तक उसका साथ दूंगा। और मुझे मालूम है जब तक थेनोस को कैप्टन मार्वल बहुत भारी पड़ने वाली है। तो एंड गेम मूवी आने तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब ज़रूर देखिए कैप्टन मार्वल। थैंक यू।